हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर डिस्कस करेंगे देखिए क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर सेगमेंट पी सेगमेंट क्यू एंड सेगमेंट आर आर परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए इस फिगर में सेगमेंट पी ए जिसका लेंथ एक्स है सेगमेंट क्यू बी जिसका लेंथ वाई है सेगमेंट आर सी जिसका लेंथ जेड है ये तीनों भी सेगमेंट सेगमेंट ए सी को परपेंडिकुलर है अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है क्वेश्चन जुलाई टू इस एग्जाम में स्टेट बोर्ड एग्जाम में फोर मार्क्स के लिए हमें पूछा गया था अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे सबसे पहले मैं ये जो सेगमेंट ए बी है समझने के लिए इसका लेंथ यहां पे कंसीडर करता हूं ए सेगमेंट बी सी का लेंथ कंसीडर करेंगे वाई और ये जो सेगमेंट ए सी है इस कंप्लीट सेगमेंट का लेंथ हम कंसीडर करेंगे यहां पे सी ओके okay, या फिर इसका लेंथ सपोज हम पी लेते हैं या फिर इस प्रकार से लिया तो भी चलेगा सेगमेंट ए बी का लेंथ स्मॉल ए सेगमेंट बी सी का लेंथ स्मॉल बी और कंप्लीट सेगमेंट AC का लेंथ स्मॉल C इस प्रकार से यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन में लेट AB इक्वल्स टू सेगमेंट AB इक्वल्स टू A फिर उस प्रकार से BC इक्वल्स टू B और AC इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं स्मॉल C ओके okay. अब देखिए फ्रेंड्स दो ट्राइंगल्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ध्यान दीजिए इन ट्राइंगल ध्यान दीजिए अब यहाँ पे अगर सपोज हमने ट्रायंगल RCA कंसीडर किया इन ट्राइंगल आर सी एंड ट्राइंगल ध्यान दीजिए ट्राइंगल आर सी एंड ट्राइंगल क्यू बी ए कंसिडर करते हैं ट्राइंगल क्यू बी ए इन दो ट्राइंगल में देखिए ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का है एंगल बी भी 90 डिग्री का है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एंगल आर सी ए कॉन्गरेंट विथ एंगल क्यू बी ए वाई बिकॉज़ ईच ऑफ मेजर हर एक एंगल का मेजर जो है ये यह यहाँ पे 90 डिग्री का है तो इस वजह से एंगल आर सी एंगल आर सी ए कॉन्गरेंट विथ एंगल क्यू बी ए रहेगा अब इन दोनों भी एंगल में एंगल ए कॉमन इन दोनों भी ट्राइंगल में ट्राइंगल आर सी ए और ट्राइंगल क्यू बी ए इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है तो हम यहां पर ले सकते हैं एंगल आर ए सी ओके एंगल आर ए सी कॉन्गरेंट विथ एंगल क्यू ए बी वाई बिकॉज इट इज कॉमन एंगल ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है अगर ऐसा है तो इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर ले सकते हैं तयरफो ट्राइंगल आर सी ए ध्यान दीजिए इज सिमिलर विथ ट्राइंगल क्यू बी ए ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे वाई ए एरिटी ए हमने अप्लाई किया है अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा आर सी अपॉन क्यू बी ओके आर सी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू हम ले सकते हैं सी ए अपॉन बी ए है ना वाई करस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इस वजह से ठीक है बुडीज आरसी निकर में हमें आर सी जेड दिया है क्यू बी फिगर में क्यू बी हमारे पास वा है सी ए ध्यान दीजिए सी ए हमने क्या कंसिडर किया मतलब ए सी ए सी को हमने सी लिया है बी ए मतलब ए बी इसका वैल्यू हमने ए लिया है अब इस प्रकार से ठीक है ना जेड अपॉन वाईक्वल्स टू तो हमारे पास है सी अपॉन ए तो देखिए फ्रेंड्स हम इस ए को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिलेगा हमें ए जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सी ठीक है या फिर सपोज अगर हम ए इक्वल टू लेते हैं इस ए को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ए जेड इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सी वाई इसका मतलब ए इक्वल्स टू ले सकते हैं हम सी वाई अपॉन जेड और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट हमने इस ए को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में वाई को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में तो ए जेड इक्वल्स टू सी वाई इसका मतलब ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सीवाई अपॉन जेड अब जैसे हमने इन दो ट्राइंगल को कंसिडर किया था उसी प्रकार से यहाँ पे इन दो ट्राइंगल को अब हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल पी ए सी ध्यान दीजिए इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी इन दो ट्राइंगल को हम कंसिडर करते हैं अब देखिए फ्रेंड्स इन दो ट्राइंगल में जिस प्रकार से यहाँ पे एंगल सी और एंगल बी 90 डिग्री का था उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का है तो एंगल पी ए सी इज कॉन्गरेंट विथ एंगल क्यू बी सी वाई ईच ऑफ मेजर हर एक एंगल का जो माप है मेजरमेंट है ये 90 डिग्री का है उसी प्रकार से इन दो ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल पी और ट्राइंगल क्यू इन दो ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है तो हम ले सकते हैं एंगल पी सी ए कॉन्ग्रेंट विथ एंगल क्यू सी बी वाई बिकॉज इट इज कॉमन एंगल ये यहां पे कॉमन एंगल है ठीक है एंड देयर फोर ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल क्यू बी सी बाय विच टेस्ट बाय ए ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ओके अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यहां पर सेम रहेगा जैसे इन प्र, यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल सिमिलर लिए थे तो करस्पोंडिंग साइड का रेशो हमने इक्वल लिया है उसी प्रकार से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हम इक्वल ले सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रपोर्शन तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम ले सकते हैं पी ए अपॉन ध्यान दीजिए यहां पे मैंने पी ए लिया तो पी ए अपॉन क्यू बी पी ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू मैं ले सकता हूं ए सी अपॉन बी सी ए सी अपॉन बी सी और यहां पे रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सी एस एस टी फ्रेंड्स पी ए का वैल्यू हमारे पास एक्स है ओके पी ए इज यक्स एंड क्यू बी क्यू बी का वैल्यू वाई है एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू ए सी का वैल्यू सी है और बी सी का वैल्यू बी है तो ये रहेगा सी अपॉन बी अब अगर सपोज हम इस बी को इधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्स बी इक्वल्स टू मिलेगा हमें सी वाई है ना तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू रहेगा सी वाई अपॉन सेड और इसे कहते हैं हम सेकंड देखिए ध्यान दीजिए फर्स्ट में हमें ए इक्वल टू सी वाई अपॉन जेड मिला था और सेकेंड में हमें सीवाई अपॉन एक्स मिलेगा यहाँ पे एक्स है सॉरी इस एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो सीवाई अपॉन एक्स मिलेगा फर्स्ट में सीवाई अपॉन जेड और सेकेंड में सीवाई अपॉन एक्स ए और बी के वैल्यू अगर सपोज हम ए प्लस बी कंसिडर करते हैं ध्यान दीजिए क्योंकि हमें प्रूव करना है वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड इक्वल्स टू वन अपॉन वाई अगर हम ए प्लस बी लेते हैं वोट इज ए इट इज सी वाई अपॉन का वैल्यू सी वाई अपॉन एक्स हमने ए और बी का वैल्यू यहां पे ट्रांसफर किया है सॉरी किया है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमने फर्स्ट और सेकेंड को यहां पे यूज करके दोनों का वैल्यू सब्सटूट किया है ठीक है अब यहां से अगर ये ए प्लस भी देखिए क्या है अब यहां पे ए बी ए है बी सी बी है तो ए प्लस हमारे पास रहेगा सी है ना ए बी का वैल्यू ए है बी सी का वैल्यू बी है और ए सी का वैल्यू सी है वो इज ए सी ए सी इज ए बी प्लस बी सी तो दैट्स वाई ए प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सी अब यहाँ से अगर हम सी वाई को बाहर ले सकते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा वन अपॉन सेड प्लस वन अपॉन एक्स अगर हमने सीवाई को बाहर लिया ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इस सीवाई को हम ट्रांसफर करते हैं ये साइड में अगर ट्रांसफर करेंगे तो अब हमारे पास क्या रहेगा c अपॉन सी वाईक्वल्स टू वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स यहां पर चाहे तो हम जस्टिफाई करेंगे A प्लस बी का वैल्यू हमारे पास C है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स ये जो C है ये C इस सी के साथ कैंसिल होगा तो इसका मतलब हमारे पास रहेगा वन अपॉन वाई ध्यान दीजिए C C कैंसिल वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन एक्स और यही हमें प्रूव करना था वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड इक्वल्स टू वन अपॉन वाई तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड इक्वल्स टू वन अपॉन वाई यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैंस प्रूव ओके तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट अप्लाई किया है सिमिलैरिटी चैप्टर में ट्राइंगल सिमिलर के जो हमें टेस्ट है तो उनमें से यहाँ पे हमने एए ए टेस्ट को अप्लाई किया है ए टेस्ट को अप्लाई करके इन दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर लिया फिर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो जो है इनको इक्वल लिया उसी प्रकार से इन दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर कंसिडर किया है सिमिलर प्रूव किया है ओके okay, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इसको यूज करके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का जो रेशोज है इनको हमने यहाँ पे इक्वल लिया है तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड इक्वल्स टू वन अपॉन वाई ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए देखिए फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास टेंथ में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है और देखिए फ्रेंड्स इन वीडियोज़ को देखे बाद शेयर ज़रूर कीजिए आपके पूरे फ्रेंड के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर जरूर सेंड कीजिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो